हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक महाजन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेनरिक टेकी। सो गाइस, एज यू ऑल नो, 2020 स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, जनवरी महीना चल रहा है। तो मैंने सोचा आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको टॉप 5 फोन्स दिखाए जाए जो आप अंडर 10,000 इस समय परचेज कर सकते हो। सो अगर आप 10,000 के अराउंड कोई एक अच्छा स्मार्टफोन जो आपके नीड्स को फुलफिल करे ढूंढ रहे हो, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है एंड इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। सो दोस्तों, मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना एंड ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बढ़ते हैं वीडियो के साथ आगे। तो दोस्तों चलो मैं आपको 5 फोन्स के बारे में बताता हूँ। एज यूजुअल हम जो ऑर्डर है वो 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे बढ़ेंगे और इसमें से कोई भी नंबर 1, नंबर 5th डिवाइस नहीं है। सारे डिवाइस के अपने बेनिफिट्स हैं, अपनी प्राइस सेगमेंट है, तो आप खुद देख सकते हो आपकी ज़रूरतों को कौन सा डिवाइस फुलफिल करता है। तो लिस्ट में नंबर 5th पे जो हम डिवाइस लेके आए हैं आपके लिए अराउंड 10,000, वो है Realme 3 Pro। सो दोस्तों, ये 2019 में लॉन्च हुआ था Redmi Note 7 Pro के कंपैरिजन में, काफ़ी अच्छा डिवाइस है। तो अगर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो इसमें आपको 6.3 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। Qualcomm Snapdragon 710 का चिपसेट विद Adreno 616 के ग्राफिक्स। इसमें आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, एक 4+64GB, एक 6+128GB एंड इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलेगा। 16+5 मेगापिक्सल का इसमें आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा और 25 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 4045mAh की AI बैटरी मिलेगी विद वूक चार्ज 3.0 के सपोर्ट के साथ। एंड इसमें आपके, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, तो जो इसका बेस वेरिएंट है वो आपको 9999 में मिलेगा और जो बड़ा वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 12999 रुपीस में। तो दोस्तों, ये एक अच्छा स्मार्टफोन है, अगर आपकी प्रेफरेंसेस को मीट करता है तो आप इसको जरूर चेकआउट करना। चलो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं 4th नंबर पे आने वाले डिवाइस की। सो इस लिस्ट में जो हमने 4th नंबर पे डिवाइस रखा है वो है Realme का 5i। ये डिवाइस अभी बेसिकली लॉन्च नहीं हुआ है, बेसिकली लॉन्च हो गया है, इसकी सेल स्टार्ट नहीं हुई है। 15th of January को इसकी पहली सेल है, तो आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हो। एंड अगर इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, कुछ खास स्पेसिफिकेशंस की, तो वो हैं, इसमें आपको 6.52 इंचेस की HD प्लस की LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। Qualcomm Snapdragon 665 का प्रोसेसर विद Adreno 610, 4+64GB विद ट्रिपल स्लॉट आपको देखने को मिलेगा। 12+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें 2 और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर होगा और एक आपको डेप्थ सेंसर मिलेगा। सिर्फ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। 5000mAh की बैटरी, रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, यानी आप अपने फोन को एज अ पावर बैंक भी यूज कर सकते हो। एंड इसमें एक ही वेरिएंट है 4+64GB, जिसका प्राइस है 8999 रुपीज। तो अगर ये फोन आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, इनफैक्ट अगर आपका 10,000 भी खर्चने का मन नहीं है, 9,000 खर्चना चाहते हो, तो आप इस फोन के साथ जा सकते हो फिलहाल के लिए। ये जो है 15 जनवरी से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, यहां बढ़ते हैं लिस्ट में आगे। उससे पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को थम्स अप दीजिए एंड वीडियो को लाइक तो करिएगा ही एंड चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर फ्यूचर कंटेंट। एंड अगर अगले डिवाइस, यानी 3rd नंबर पे आने वाले डिवाइस की बात करूं, तो वो है Lenovo K10 Note। एंड ये भी एक अच्छा डिवाइस है अगर आप कंपटीशन में लेना चाहते हो। हाइलाइटिंग फीचर्स की बात करूं, तो इसमें आपको 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस की डिस्प्ले, जो कि LCD पैनल है। सबसे बढ़िया बात, Qualcomm Snapdragon 710 अंडर 10,000 आपको देखने को मिलेगा। Adreno 616 का GPU, 4+64GB का एक वेरिएंट, 6+128GB का दूसरा वेरिएंट मिलेगा विद हाइब्रिड स्लॉट, यानी आप अलग से मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते, दो सिम्स अगर आप यूज करते हो। 16+5+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर सेटअप, 2x ऑप्टिकल जूम एंड 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। 4050mAh की आपको इसमें बैटरी देखने को मिल जाएगी। 4+64GB का एक वेरिएंट मिलेगा जो 9999 रुपए में मिलेगा और 6+128GB का जो 11999 रुपीस में मिलेगा। तो दोस्तों, अगर ये आपकी प्रेफरेंसेस को मीट करता है तो आप इस डिवाइस को भी चेकआउट कर सकते हो एंड ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप अराउंड 10,000 एक फोन ढूंढ रहे हो। तो इसके बाद, यानी 2nd नंबर पे जो यहां पे डिवाइस अंडर 10,000 आप इस समय चेकआउट कर सकते हो, वो एग्जैक्ट आपको 10,000 में तो नहीं मिलेगा बट अराउंड 10,000 ही है, वो है Vivo का U20। सो दोस्तों, ये एक अच्छा डिवाइस है एंड Vivo U10 का सक्सेसर है, तो इसके ऑब्वियसली उससे अच्छे फीचर्स हैं। अगर इसके कुछ खास फीचर्स की बात करूं, तो इसमें आपको 6.53 इंच की फुल HD प्लस की LCD डिस्प्ले मिल जाएगी। Qualcomm Snapdragon 675 विद Adreno 612 का GPU देखने को मिलेगा। 4+64GB का एक वेरिएंट, 6+64GB का दूसरा वेरिएंट एंड ट्रिपल स्लॉट की सपोर्ट के साथ आएगा, यानी दो सिम्स और मेमोरी कार्ड आप एक साथ यूज कर सकते हो। 16+8+2 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल रियर सेटअप एंड 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा।
5000 mAh की बैटरी, 18 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, रिवर्स चार्जिंग, यानी इस डिवाइस को भी आप एज अ पावर बैंक यूज कर सकते हो। एंड वहीं अगर मैं इसके वेरिएंट्स की बात करूं तो जो बेस वेरिएंट है 4+64 वो आपको 10,990 में मिलेगा और 6+64 GB वाला 11,990 का मिलेगा। तो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को देखिए, समझिए एंड मैच कीजिए, एंड अगर आपको सूट करता है तो आप जरूर इसको खरीदिए। दोस्तों अभी यहाँ पे बात करते हैं नंबर वन पे आने वाले डिवाइस की। एंड ये जो नंबर वन पे डिवाइस है ये सबका फेवरेट है, इनफैक्ट मेरा भी फेवरेट है अंडर 10,000। डिवाइस की बात करूं तो ये है Redmi Note 8 अंडर 10,000, बहुत अच्छा डिवाइस है। खास स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इसमें आपको 6.3 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, Qualcomm Snapdragon 665 Adreno 610 GPU, 4+64 GB का वेरिएंट मिलेगा, 6+128 GB का भी मिलेगा और ट्रिपल स्लॉट यानी दो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड आप आराम से यूज कर सकते हो। कैमरा कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, देन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का ही मैक्रो सेंसर मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, 4000 mAh की बैटरी मिलती है एंड द गुड थिंग इज 18 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। जो बेस वेरिएंट है 4+64 वो आपको 9999 में मिल जाएगा और जो उससे ऊपर वाला वेरिएंट है 6+128 GB वो आपको 12999 में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एक अच्छा फोन है जो आप इस समय मेरे हिसाब से अंडर 10,000 खरीद सकते हो। अगर मैं पर्सनली इन सब में से अगर कोई दो फोन प्रेफर करूं तो मैं या तो Vivo U20 के साथ जाता या मैं Redmi Note 8 के साथ जाता। तो ये दोनों फोन काफी अच्छे हैं अंडर 10,000, अराउंड 10,000। इनफैक्ट इनके जो बड़े वेरिएंट है वो भी अच्छे हैं। सबसे अच्छा है Redmi Note 8 का 13,000 वाला वेरिएंट जो 6128 आपको देता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप Redmi Note 8 पे और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमने उसका फुल कैमरा रिव्यू एंड PUBG रिव्यू डाल रखा है अपने चैनल पे, आप जरूर चेकआउट करना, आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे कहीं ना कहीं कार्ड्स में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एंड ऐसी और वीडियो फ्यूचर में देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो इन द एंड आई विल से जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।